तो ये है GTA San Andreas गेम। इसे मैंने अभी स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं गेम में मेरे पास $350 मनी है और अभी मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है। अब मैं आपको गेम में मनी इंक्रीज करके और वेपन्स ऐड करके दिखाता हूँ। तो मनी इंक्रीज करने के लिए मुझे मनी आर्मर हेल्थ की चीट को एक्टिवेट करना है और आप देख सकते हैं गेम में मेरी जो मनी है वो इंक्रीज हो चुकी है और मुझे आर्मर हेल्थ भी मिल चुका है। अब मैं आपको वेपन्स ऐड करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे वेपन का चीट एक्टिवेट करना है और आप देख सकते हैं मेरे पास वेपन्स भी आ चुके हैं। अब मैं आपको कार स्पॉन करके दिखाता हूँ। तो इस गेम के किसी भी व्हीकल को मैं कहीं पर भी लाके यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और इतने ही नहीं, मेरे पास इस गेम के लिए काफ़ी सारे चीट्स हैं जिसे यूज़ करके मैं अपने गेम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो अगर आप भी अपने गेम पर इन सभी चीट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश। अगर आप भी अपने GTA San Andreas गेम पर इस तरह से चीट्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे मोड फाइल को अपने गेम पर अप्लाई करना होगा और फिर आप भी अपने गेम पर चीट्स यूज़ कर पाएंगे। मेरा जो मोड फाइल है ये सभी एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करता है। तो आपका स्मार्टफोन किसी भी ब्रांड का हो, आपका स्मार्टफोन किसी भी एंड्रॉयड वर्जन पर रन कर रहा हो, आप मेरे मोड फाइल को अपने गेम पर अप्लाई करके चीट्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे मोड फाइल को गेम पर अप्लाई करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। जो फर्स्ट नंबर का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने GTA San Andreas गेम को प्ले स्टोर से परचेस करके डाउनलोड किया होगा, तभी आप मेरे मोड फाइल को अपने गेम पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने GTA San Andreas गेम को किसी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड किया है तो फिर आप मेरे मोड फाइल को अपने गेम पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में पहले आपको इस गेम को प्ले स्टोर से परचेस करना होगा। प्ले स्टोर में इस गेम का प्राइस 182 रुपीज़ है, बट मैं आपको इस गेम के प्राइस में 50% का डिस्काउंट दिला सकता हूँ, जिसके बाद आपको ये सिर्फ 91 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस गेम के लिए 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जो सेकंड नंबर का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको मेरे मोड फाइल को परचेस करना होगा, क्योंकि मेरा मोड फाइल पेड है। इसका प्राइस 50 रुपीज़ है, बट मैंने अभी इसमें कुछ दिन के लिए 50% का डिस्काउंट भी दिया है। तो आप इसे परचेस करते हुए मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मोड फाइल आपको सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्रोमो कोड क्या है ये मैं आपको आगे इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। मेरे मोड फाइल को आपको कैसे परचेस करना है और फिर इसे गेम पर कैसे अप्लाई करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पर बताया है और इसलिए मेरी ये वीडियो 30 मिनट्स की है। आपको अपने GTA San Andreas गेम पर चीट्स यूज़ करना है तो बस आपको इतना ही करना होगा। आपको मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करना है। इसमें मैंने जो प्रोसेस बताया है आपको उसको फॉलो करना है और फिर आपके गेम पर मोड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और आप अपने गेम पर चीट्स यूज़ कर पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप अभी बिजी हैं, आप अपने गेम पर बाद में चीट अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इसमें आपको 30 मिनट्स का ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तो आप मेरे इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए। नीचे आपको सेव का बटन मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करेंगे तो मेरी ये जो वीडियो है वो आपके वॉच लेटर प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। वहाँ से बाद में आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस वीडियो को किसी को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि उस चैट पर आपको मेरी ये वीडियो मिल जाए और बाद में आप मेरे इस वीडियो को वॉच करके अपने गेम पर चीट अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरे मोड फाइल को कैसे परचेस करना है और फिर अपने गेम पर कैसे अप्लाई करना है। अभी आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अब आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना होगा। तो आप मोड पर क्लिक करेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको GTA SA मोड चीट्स बाय लिंक मिलेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपके स्मार्टफोन पर ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप मेरे मोड फाइल को परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है और फिर आपको अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और फुल नेम इंटर करना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। ये सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको नीचे है वह कूपन कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड टाइप करना है जो कि है SARMJ50, SHARMAJI 50। इसमें जो S है वो बस कैपिटल लेटर में है, उसके बाद के सभी लेटर्स स्मॉल हैं। आप देख सकते हैं इस मोड फाइल का प्राइस 50 रुपीज़ है और जैसे ही इस प्रोमो कोड को मैं अप्लाई करूंगा इसका जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप इस प्रोमो कोड का अप्लाई करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं और मेरा ये मोड फाइल आपको सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये प्रोमो कोड लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, बट जब तक ये अवेलेबल है तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नीचे आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जितने पॉपुलर UPI ऐप्स हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन्हें सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें। अगर आप कोई दूसरा UPI ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अदर ऐप्स पर क्लिक करना है, तो आपको अदर UPI ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैं फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करूँगा तो मैं फ़ोनपे पर सेलेक्ट करूँगा और नीचे मुझे पे का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं पे पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है।
तो मैं यहाँ पर से पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है ताकि आप डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट हो पाएं। पेमेंट करने के बाद आपको बैक नहीं करना है। अगर आप पेमेंट करने के बाद बैक कर देते हैं तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको पेमेंट करने के बाद वेट करना है ताकि आप इस डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएं। उसके बाद आपको मोर फाइल के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आप यहाँ पर डाउनलोड का आइकॉन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं बॉटम राइट साइड में डाउनलोड का आइकॉन मिल जाएगा। आपको इसमें क्लिक करना है और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये 100% डाउनलोड हो जाएगा, नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है और मेरा जो मोड फाइल है वो आपके स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडेड। अब आपको क्या करना है, फाइल डाउनलोड करने के बाद चले जाना है होम पर और अब आपको अपने स्मार्टफोन पर दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन है सिजुकू और जो सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन है वो है जेड अचीवर। ये दोनों बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इन दोनों का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर मैनुअली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है सिजुकू SHIZUKU, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। और जो सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है वो है जेड अचीवर, ZARCHIVER। आप ये टाइप करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने जेड अचीवर एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो आपको प्ले स्टोर ओपन करके जेड अचीवर सर्च करना है और इसमें चेक कर लेना है। अगर इसमें अपडेट अवेलेबल होगा तो आपको उस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। अगर इसमें अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। अगर यहाँ पर डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जेड अचीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपको इसके परमिशन को अलाउ कर देना है, तो अलाउ कर देता हूँ मैं। ओके पर क्लिक करना है, स्क्रॉल अप करना है, लास्ट में जेड अचीवर मिलेगा, इसको अलाउ कर देना है। बैक आ जाना है, अलाउ पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। जितने भी परमिशन है आपको इसे अलाउ कर देना है। फिर आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है, इसमें क्लिक करेंगे तो डिवाइस स्टोरेज मिलेगा, डिवाइस स्टोरेज ओपन करना है। डिवाइस स्टोरेज में आपको डाउनलोड का फोल्डर ओपन करना है, तो मैं डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लेता हूं। और आपने जो मेरे मोड फाइल को परचेस करके डाउनलोड किया है वो आपको इसी फोल्डर में देखने को मिल जाएगा, GTASAMod.zip इस नेम से। ये जिप फाइल है जिसे अब आपको अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको इसमें सिंगल टाइम क्लिक करना है, फिर आपको थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट टू अर्चिव नेम ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एक्सट्रैक्ट टू अर्चिव नेम पर क्लिक करना है। ये जो जिप फाइल है ये अनजिप हो जाएगा और इसका जो फोल्डर है वो आपको डाउनलोड फोल्डर में ऊपर देखने को मिल जाएगा, GTASAMod इस नेम से। तो आपको इस GTASAMod फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको GTASAMod APK मिल जाएगा और एक GTASAMod फाइल्स इस नेम से फोल्डर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है होम पर, तो मैं चले जाता हूँ होम पर। अब आपको सिजुकू एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपको पेयरिंग पर क्लिक करना है, तो मैं पेयरिंग पर क्लिक करूँगा। फिर आपको नोटिफिकेशन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, जिसके नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना है, आप रहेंगे पेयरिंग मोड पर। अगर आप गलती से दो बार बैक आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपको पेयरिंग मोड ऑन करना है, तो आपको पेयरिंग पर रहना है। आपको इस मोड को ऑन करने के बाद यहां से बैक नहीं जाना है, आपको अपने स्मार्टफोन का सेटिंग्स ओपन करना है। या तो आप नोटिफिकेशन से सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं या तो आप होम पर जाके सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से बैक मत होइएगा क्योंकि पेयरिंग मोड ऑन रखना है। तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन से सेटिंग्स पर चले जाता हूँ। अब आपको अपने स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना है। तो डेवलपर ऑप्शंस को कैसे इनेबल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको चले जाना है अबाउट फोन पर, मैं चले जाता हूँ अबाउट फोन पर।
अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर पर आप कंटिन्यू 8 से 10 टाइम्स यानी कि 8 से 10 बार क्लिक करते जाएंगे तो आपके स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। इसमें 8 से 10 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो लॉक पैटर्न है वो आपको इंटर करना है ताकि आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। मोस्टली स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने का यही प्रोसेस होता है। कुछ कुछ स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने का जो ऑप्शन है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपको बिल्ड नंबर नहीं मिल रहा है या फिर बिल्ड नंबर में क्लिक करने के बाद भी आपके स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपको YouTube पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शंस इन, और उसके बाद अपने स्मार्टफोन का मॉडल नेम टाइप करना है तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच करके अपने स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन पर डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग में सर्च करना है डेवलपर। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। DEVELOPER आपको ये सर्च करना है, DEVELOPER आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो ये रिजल्ट में नहीं आएगा। जब आप डेवलपर सर्च करेंगे तो आपको दो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, डेवलपर सेटिंग्स, डेवलपर ऑप्शंस। तो आपको डेवलपर सेटिंग्स ओपन नहीं करना है, आपको डेवलपर ऑप्शंस ओपन करना है। तो जब आप डेवलपर ऑप्शंस ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रोल अप करना है। स्क्रोल अप करते जाएंगे तो नीचे आपको डिबगिंग का एक कैटेगरी मिलेगा और डिबगिंग की कैटेगरी में यूएसबी डिबगिंग का सेटिंग मिलेगा। आपको यूएसबी डिबगिंग सेटिंग को ऑन कर देना है, ओके पर क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा। इसे ऑन करने के बाद थोड़ा और स्क्रोल अप करेंगे, नीचे आपको वायरलेस डिबगिंग मिलेगा तो आपको इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना है। बट ये सेटिंग तभी ऑन होगा जब आपका स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। अगर आप मोबाइल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन होगा या फिर आपके घर में कोई दूसरा स्मार्टफोन होगा, आप उस दूसरे स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, अपने स्मार्टफोन पर वाईफाई ऑन कीजिए और उसके थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। तो आपके स्मार्टफोन पर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए तब ये जो वायरलेस डिबगिंग का सेटिंग है वो ऑन होगा। तो उस वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको वायरलेस डिबगिंग को ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद आपको वायरलेस डिबगिंग पर क्लिक करना है तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगा। जब ये सेटिंग ओपन हो जाएगा नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लास्ट में पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, आपको इसमें क्लिक करना है तो आपके स्मार्टफोन पर एक कोड शो होगा और ऊपर से आपको सिज़ुको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ये देखिए सिज़ुको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेयरिंग सर्विस फाउंड इंटर पेयरिंग कोड। तो आपको ये जो कोड है इसमें इंटर कर देना है, कोड बिल्कुल सही इंटर करना है तभी ये सक्सेसफुली कनेक्टेड होगा। कोड क्या है, 642569, मैं इंटर कर लेता हूँ 642569। ये देखिए मैंने कोड इंटर कर लिया है। कोड इंटर करने के बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। सेंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग सक्सेसफुल शो हो जाएगा। जब पेयरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है रिसेंट पर, आपको बैक नहीं करना है। जैसा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वैसा ही आप फॉलो कीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको रिसेंट पर क्लिक करना है। रिसेंट में क्लिक करने के बाद आपको सिज़ुको एप्लीकेशन को ओपन करना है। सिज़ुको एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में है, इससे एक बार बैक आ जाना है। इससे बैक आने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिज़ुको इज नॉट रनिंग, ये नॉट रनिंग है। अब आपको सिज़ुको को स्टार्ट करना है इसे रन करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे आपको सिज़ुको में स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है यह फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए, आपको कुछ टेक्स्ट शो होंगे, उसके बाद आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और वो स्टार्ट नहीं होता है, ऐसा नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें लिखा होता है सर्चिंग फॉर वायरलेस डिबगिंग सर्विस, तो आपको क्या करना है, इस पेज को ओपन रहने देना है, आपको रिसेंट पर क्लिक करना है, बैक नहीं करना है, रिसेंट में क्लिक करना है, वायरलेस डिबगिंग के सेटिंग को ओपन करना है, वायरलेस डिबगिंग को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद ऑन करना है, ऑन करने के बाद रिसेंट में क्लिक करना है, सिज़ुको पर जाना है और ये जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा टेक्स्ट शो होगा, उसके बाद वेट करेंगे तो सिज़ुको इस रनिंग शो हो जाएगा और उसके नीचे आपको ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो
टेक्स्ट आ जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो नोटिफिकेशन आएगा सर्चिंग फॉर वायरलेस डिबगिंग सर्विस, तो फिर आपको वायरलेस डिबगिंग को एक बार ऑफ करना है, ऑन करना है, वापस सिज़ुकु पर आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसा स्टार्ट हो जाता है जिसमें सिज़ुकु इस रनिंग शो होता है और उसके नीचे ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशन शो होता है तो अच्छी बात है। अगर आपके स्मार्टफोन पर आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट में क्लिक करने के बाद सिज़ुकु इस रनिंग तो आपको शो होता है, यानी कि सिज़ुकु स्टार्ट हो जाता है, बट उसके नीचे आपको ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। तो उसके नीचे आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो फिर आपको अपने स्मार्टफोन पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग स्मार्टफोन मॉडल के हिसाब से अलग अलग एक्स्ट्रा स्टेप है। अगर आपका स्मार्टफोन Xiaomi, Redmi, MI या फिर Poco का है तो फिर आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा स्टेप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको करना ये होगा, आपको रिसेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको USB डिबगिंग सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद आप एक बार बैक आएंगे तो डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में वायरलेस डिबगिंग के नीचे आपको USB डिबगिंग ब्रैकेट में सिक्योरिटी सेटिंग्स ये मिलेगा, या तो USB डिबगिंग ब्रैकेट में सिक्योरिटी ऑप्शंस भी लिखा हो सकता है। तो आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देना है। ये सेटिंग तभी टर्न ऑन होगा जब आपके स्मार्टफोन पर MI अकाउंट साइन इन होगा। अगर आपके स्मार्टफोन पर MI अकाउंट साइन इन नहीं होगा और आप इसे टर्न ऑन करने के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होगा कि आपको पहले MI अकाउंट अपने स्मार्टफोन पर साइन इन करना है। अगर आपके स्मार्टफोन पर MI अकाउंट पहले से साइन इन होगा तो ये तुरंत ही टर्न ऑन हो जाएगा। तो आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन कर लेना है। जब आप इसे ऑन कर लेंगे उसके बाद फिर आपको रिसेंट में क्लिक करके सिज़ुकु एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप सिज़ुकु एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हो सकता है आपको सिज़ुकु इस रनिंग और उसके नीचे ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस मिल जाए, या फिर अगर आपको सिज़ुकु इस नॉट रनिंग शो होता है तो फिर आपको नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। कुछ टेक्स्ट शो होगा, वेट करेंगे 3-4 सेकेंड, उसके बाद सिज़ुकु इस रनिंग और ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस का ऑप्शन उसके नीचे आपको मिल जाएगा। ये जो सेटिंग था ये था Xiaomi, Redmi, MI और Poco स्मार्टफोन्स के लिए। अगर आपका चारों इन चारों ब्रांड में से किसी एक स्मार्टफोन है तो फिर आपको यह सेटिंग करना है। अगर आपका स्मार्टफोन Oppo, Realme, OnePlus इनमें से किसी ब्रांड का है और आप सिज़ुकु में स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सिज़ुकु इस रनिंग तो हो जाता है बट उसके नीचे ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशन शो नहीं होता है, उसके नीचे आपको यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप्स होता है, तो फिर आपको अपने स्मार्टफोन पर क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आपको रिसेंट में क्लिक करना है, जैसे कि आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। फिर आपको वायरलेस डिबगिंग ओपन करना है। जब आप वायरलेस डिबगिंग ओपन करेंगे उसके बाद आपको एक बार बैक आना है तो आप आ जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस में। अब आपको डेवलपर ऑप्शंस में स्क्रॉल अप करना है और लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद थोड़ा ऊपर आना है। जब आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग का ये सेटिंग मिलेगा, आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। इसको आपको टर्न ऑन करना है, उसके बाद रिसेंट में क्लिक करना है, उसके बाद सिज़ुकु पर जाना है। तो यहाँ पर आपको सिज़ुकु इस रनिंग और उसके नीचे ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशन शो हो जाएगा। अगर ऐसा शो नहीं होता है, सिज़ुकु इस नॉट रनिंग शो होता है और वो नोटिफिकेशन जो आया था वो हट जाता है, तो फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और सिज़ुकु इस रनिंग हो जाएगा और उसके नीचे आपको ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस मिल जाएगा। ये सेटिंग आपको तब करना है जब आपका स्मार्टफोन Oppo, Realme या फिर OnePlus इनमें से किसी एक ब्रांड का है। तो मैंने आपको अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड के हिसाब से अलग अलग जो सेटिंग था वो बता दिया है काफ़ी अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ तक पहुँच जाना है जब आपके स्मार्टफोन पर सिज़ुकु इस रनिंग और उसके नीचे ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशन शो हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, ऑथराइज्ड जीरो एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जेड अचीवर को अलाउ कर देना है। इसमें अलाउ करने के बाद आपको बैक आ जाना है, उसके बाद आपको चले जाना है होम पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है रिसेंट में। रिसेंट में हमने जेड अचीवर को रखा था, यहाँ पर आप जेड अचीवर को ओपन कर लीजिए। अगर आपने बैक कर लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं जेड अचीवर में कौन से फोल्डर पर हूँ। जेड अचीवर में मैं डिवाइस स्टोरेज डाउनलोड और उसके बाद GTA SA मोड इस फोल्डर पर हूँ। अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। यहाँ पर टॉप राइट साइड में आपको थ्री डॉट मिल जाएगा, आपको इसमें क्लिक करना है। फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है।
सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको रूट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप रूट में क्लिक कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, रूट का मतलब ये नहीं है कि आपका स्मार्टफोन अभी रूट हो रहा है, ये सिर्फ एक सेटिंग है जिसे आप कंप्लीट करके अपने गेम पर चीट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सेफ है, इससे आपके स्मार्टफोन पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके स्मार्टफोन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेटिंग इसलिए आपको करना ज़रूरी है ताकि आपको एंड्रॉयड फोल्डर का एक्सेस मिल सके और उसके बाद आप अपने गेम पर चीट्स अप्लाई कर सकें। मैं किस फोल्डर की एक्सेस की बात कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बता दूंगा। मैं आपको बेसिकली अभी यही बता रहा हूँ कि आपका स्मार्टफोन रूट नहीं हो रहा है, आपके स्मार्टफोन पर बस एक सेटिंग करना है ताकि आप अपने गेम पर चीट्स अप्लाई कर सकें। अब आपको टाइप ऑफ रूट एक्सेस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे सिजुकू का ऑप्शन मिल जाएगा, ये एसयू पर सेलेक्टेड रहेगा, आपको इसे सिजुकू में सेलेक्ट कर लेना है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो दो ऑप्शन हैं आपको इन्हें इनेबल कर लेना है। ये देखिए, अब आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस आइकॉन में क्लिक करना है, डिवाइस स्टोरेज ओपन करना है, एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन करना है, एंड्रॉयड फोल्डर के बाद डेटा का फोल्डर ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर com.rockstargames.gta.se ये फोल्डर मिलेगा, तो आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको ना मिले क्योंकि आप ठीक से सर्च नहीं कर पाएंगे, तो आप मैनुअली देख लीजिए। यहाँ पर आपको com.rockstargames.gta.se, ये देखिए com.rockstargames.gta.se, ये आपके गेम का फोल्डर मिल जाएगा। मैं आपको पास लाकर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ये एक्सेस के लिए ही आपको सिजुकू सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको सिजुकू का पूरा सेटिंग बताया है वो इसीलिए है कि आप इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएँ। अगर आप सिजुकू का सेटिंग नहीं करते हैं, ये जो मैंने आपको पूरा सेटिंग बताया वो नहीं करेंगे, तो आपको इस फोल्डर का एक्सेस नहीं मिलेगा और आप अपने गेम पर चीट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बस उसी के लिए था और ये 100% सेफ है। अब आपको यहाँ पर एक फाइल्स का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपको और भी फोल्डर्स देखने को मिल जाएं। यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर एक ही फाइल्स का फोल्डर मिल रहा है, तो हो सकता है आपको भी एक ही फाइल्स का फोल्डर मिले। अगर ये सिचुएशन होती है कि यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको जिस फोल्डर पर फाइल्स लिखा होगा आपको उसी फोल्डर को टैब एंड होल्ड करना है। जब आप उसे टैब एंड होल्ड करेंगे, उसमें टच करके रखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको कॉपी पर क्लिक करना है, तो ये फोल्डर कॉपी हो जाएगा। इसमें क्लिक करने के बाद, कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डिवाइस स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और नहीं, डिवाइस स्टोरेज नहीं, डाउनलोड फोल्डर डायरेक्ट मिलता है आपको, तो डाउनलोड आप इसमें क्लिक कर लीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद GTA SA मोड ओपन कीजिए। GTA SA मोड ओपन करने के बाद GTA SA मोड फाइल्स फोल्डर ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद आपको पेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल्स का फोल्डर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये फाइल्स का फोल्डर कॉपी पेस्ट करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी तक अपने GTA San Andreas गेम पर जितने भी मिशंस कंप्लीट करके रखे होंगे, जो भी प्रोग्रेस करके रखे होंगे, ये उसी का फोल्डर है, तो वो यहाँ पर आपका सेफ हो जाएगा। और चीट अप्लाई करने के बाद भी आपका गेम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने छोड़ा था। जितने मिशंस आपने कंप्लीट करके रखे थे वो सेफ हो जाएंगे और आपको गेम वहीं से प्ले करने को मिलेगा। अगर आपने कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं किया है, आपने गेम पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है, तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं कि फाइल्स के फोल्डर को वहां से कॉपी करके यहां लाने का, पेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप इसे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कंफ्यूज न होना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अगर आपने कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं किया है तो भी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बैक आ जाना है, अब आपको होम पर चले जाना है, यहाँ से होम पर चले जाइए। और अब आपके स्मार्टफोन पर जो GTA San Andreas का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आपको इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसमें टैब एंड होल्ड करूंगा, अनइंस्टॉल पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा, ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको रिसेंट पर क्लिक करना है, जेड अचीवर ओपन करना है, और यहाँ पर जो मेरा GTA SA मोड एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसमें क्लिक कीजिए, इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, ये देखिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है, लास्ट में जेड अचीवर मिलेगा, आपको इसको अलाउ करना है, अलाउ कर दीजिए। इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आपको ओपन पर क्लिक करना है, फिर आपको इसे अलाउ कर देना है, और उसके बाद
इस एप्लीकेशन के थ्रू गेम का मेन फाइल 2.4 GB का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इसके डाउनलोड होने का वेट कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब आपने GTA San Andreas गेम को प्ले स्टोर से परचेज करके डाउनलोड किया था तो जिस जीमेल आईडी का यूज़ किया था वही जीमेल आईडी आपके स्मार्टफोन पर साइन इन होना चाहिए, तभी इस एप्लीकेशन के थ्रू गेम का जो मेन फाइल है वो डाउनलोड होगा। अगर आपने वो ईमेल साइन आउट कर दिया है तो वो यहाँ पर से वो गेम का फाइल डाउनलोड नहीं होगा, वो ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने परचेज किया है गेम को वो साइन इन होगा, तभी आपके एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर गेम का मेन फाइल डाउनलोड होगा। अब आपको इसके 100% होने का वेट करना है, और अभी आपके गेम पर चीट अप्लाई नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर प्रोसेस बचा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कंटिन्यू आपको स्किप नहीं करना है, तभी आप अपने गेम पर सक्सेसफुली चीट अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अभी आगे चीट अप्लाई करने का प्रोसेस बचा हुआ है। तब तक मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो आप देख सकते हैं ये 98% डाउनलोड हो चुका है, 100% बस होने वाला है। तो जैसे ये 100% डाउनलोड हो जाएगा आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे बॉटम राइट साइड में ऑफलाइन का बटन मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद गेम को स्टार्ट कर लेना है, तो मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी गेम पर चीट्स अप्लाई नहीं हुआ है, अभी चीट्स अप्लाई करने का प्रोसेस बचा हुआ है, तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पे से आपको इंट्रो को स्किप कर देना है, अब आपको गेम को क्विट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे से गेम को क्विट कर देता हूँ, ये देखिए। तो आपको गेम को क्विट कर लेना है। गेम को आप क्विट करेंगे तो वापस से आप जेड अचीवर पर आ जाएंगे, जेड अचीवर रिसेंट में था। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे GTA SA मोड फाइल्स का फोल्डर ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड में 3 डॉट मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको मल्टी सेलेक्ट पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डबल राइट का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, आपको इसमें क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल मिलेगा, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। जितने भी फाइल्स यहाँ पर हैं वो आपको सेलेक्ट देखने को मिल जाएंगे, सेलेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। आपको किसी भी सेलेक्टेड फाइल पर टैब एंड होल्ड करना है, आपको इसमें क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर GTA SA मोड FI जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डिवाइस स्टोरेज मिल जाएगा, डिवाइस स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड फोल्डर मिलेगा, एंड्रॉयड फोल्डर ओपन करना है। फिर आपको डेटा फोल्डर ओपन करना है, और डेटा फोल्डर में आपको com.rockstargames.gta.sa फोल्डर ओपन करना है। तो आप नीचे चले जाइए, आपको यहाँ पर com.rockstargames.gta.sa फोल्डर मिल जाएगा, ये देखिए com.rockstargames.gta.sa, आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको बॉटम राइट साइड में ये जो सर्कल का बटन देखने को मिल रहा है, सर्कल में आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई टू ऑल फाइल्स इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, तो मैं इसमें टिक कर लेता हूँ। इसमें टिक करने के बाद आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे जितने भी फाइल्स हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब आपको चले जाना है यहाँ से होम पर, और अब आपको अपने GTA San Andreas एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ से मैं GTA San Andreas एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको ऑफलाइन पर क्लिक करना है, ऑफलाइन पर क्लिक कीजिए। अब आप अपने गेम को स्टार्ट गेम से, लोड गेम से, कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। रिस्यूम का ऑप्शन है तो रिस्यूम से कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। तीनों में आपको चीट का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं इसे न्यू गेम से स्टार्ट कर लेता हूँ। गेम स्टार्ट करने के बाद आप इंट्रो स्किप कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर चीट्स एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो अब आपको गेम पर स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के यहाँ से आपको स्वाइप डाउन करके नीचे तक जाना है, सिंगल फिंगर से स्वाइप डाउन करना है कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से चीट पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको फिर से स्वाइप डाउन करके दिखा देता हूँ, कई लोग गलत स्वाइप डाउन करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन से स्वाइप डाउन करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको देखिए आपको यहाँ से स्क्रीन के यहाँ से नीचे स्वाइप डाउन करना है सिंगल फिंगर से कुछ इस तरह से, और आपके गेम पर चीट यहाँ पर शो हो जाएगा। डाउन बटन का और अप बटन का यूज़ करके आप चीट को सेलेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी चीट को सेलेक्ट करने के बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करना है। जैसे कि अभी फर्स्ट नंबर का चीट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कार स्पॉन का, तो आपको उसमें क्लिक नहीं करना है, आपको स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करना है, तो कार स्पॉन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप राइट राइट पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको व्हीकल मिल जाएगा, जो भी व्हीकल आपको पसंद होगा आप उसे सेलेक्ट करके स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करेंगे, वो व्हीकल आपको मिल जाएगा। फिर से आप स्वाइप डाउन करेंगे, यहाँ पर चीट्स पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको चीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डाउन बटन करके मैंने चीट्स को सेलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे चीट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं राइट राइट में क्लिक करके यहाँ पर चीट्स देख सकता हूँ और उन्हें यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर से मैं वेपन का चीट एक्टिवेट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास वेपन्स आ चुके हैं। चीट पेज को एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको कोई भी चीट यूज़ नहीं करना है तो आपको डिसमिस पर टैब एंड होल्ड करना होगा, तो यहाँ जो चीट पेज है वो डिसेबल हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने GTA San Andreas गेम पर मेरे मेथड को अप्लाई करके, मेरे मोड फाइल को अप्लाई करके बड़े आसानी से चीट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया है आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आप वीडियो को स्किप करके वॉच मत कीजिए, नहीं तो आप कोई भी पार्ट स्किप कर देंगे। तो आपको वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना है, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो फॉलो करना है, उसके बाद 100% आपके गेम पर चीट्स अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपका एक और कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ये जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया है चीट्स अप्लाई करने का, ये वन टाइम प्रोसेस है, इसे आप अपने गेम पर अप्लाई करेंगे उसके बाद जब तक आप अपने गेम को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे आपके गेम पर चीट अप्लाई रहेगा और आप अपने गेम पर चीट्स यूज़ कर पाएंगे। गेम पर चीट अप्लाई करने के लिए ये वन टाइम प्रोसेस है, ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है चीट अप्लाई करने के लिए 100% सेफ है, इससे आपके स्मार्टफोन पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आप इन सेटिंग्स को अब आप ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपको चले जाना है अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स पर, अब आपको डेवलपर सर्च कर लेना है, ये देखिए तो आप डेवलपर सर्च करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस को ओपन करके आप डेवलपर ऑप्शंस को ऑफ कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। नहीं ऑफ़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ऑफ़ करना है तो आप इसे ऑफ़ करेंगे तो जितने भी मैंने सेटिंग्स आपको बताए थे डेवलपर ऑप्शंस में वो सारे ऑफ़ हो जाएंगे एक बार में ही। अब आप यहाँ पे से जेड अचीवर एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सिजुको एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए तो मैं आपको अनइंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। मैं सिजुको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर जेड अचीवर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो जितने भी सेटिंग्स मैंने अभी आपको बताए थे आपके गेम पर चीट्स अप्लाई करने के लिए वो सारे मैंने ऑफ कर दिए हैं, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड करवाए थे वो भी अनइंस्टॉल कर दिए हैं और अब भी आप देख सकते हैं मेरे गेम पर चीट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको एक बार बस करना है, उसके बाद जब तक आप अपने गेम को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपके गेम पर चीट अप्लाई रहेगा, आप अपने गेम पर चीट्स यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मेरे पास इस गेम के लिए दो चीट फाइल और हैं, वो भी मैं आप लोग को यूज़ करके दिखाता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप उन चीट्स फाइल को भी अपने गेम पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस गेम के लिए मेरे पास मैप अनलॉक फाइल भी है, जिसे अप्लाई करके आप अपने गेम के फुल मैप को अनलॉक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ, तो मैप का सिर्फ ये एरिया अनलॉक है, इसके बाद के सभी एरिया लॉक हैं, क्योंकि मैंने इसे न्यू गेम से स्टार्ट किया है। इसके फुल मैप को अनलॉक करने के लिए आप लोग को इस गेम के सभी मिशंस को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद इसका फुल मैप अनलॉक होता है। बट आपको अपने गेम पर एक भी मिशन को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे मैप अनलॉक फाइल को अप्लाई करके अपने गेम पर एक क्लिक में ही फुल मैप को अनलॉक कर सकते हैं। मैंने अभी अपने गेम पर मैप अनलॉक फाइल को अप्लाई करके रखा हुआ है, इसलिए जब मैं लोड गेम ओपन करूंगा यहाँ पर मुझे न्यू मॉडल आर्मी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू मैं गेम को स्टार्ट करूंगा तो मेरे गेम का जो फुल मैप है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गेम का जो फुल मैप है वो अनलॉक हो चुका है। तो अगर आप भी अपने गेम पर फुल मैप को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे उस वीडियो को वॉच करके अपने गेम के फुल मैप को अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो पर मैंने आपको जो मोड बताया है उसे अप्लाई करने के बाद जब आप अपने गेम पर स्वाइप डाउन करेंगे कुछ इस तरह से आपको इतने सारे चीट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो लास्ट के 3 स्लॉट है वो ब्लैंक है, तो मेरे पास इन 3 स्लॉट के लिए भी चीट फाइल है जिसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उस चीट का जो नेम है वो है बॉडीगार्ड, तो मैंने गेम पर अपने गेम पर अभी बॉडीगार्ड चीट फाइल को भी ऐड ऑन कर लिया है। अब मैं गेम पर स्वाइप डाउन करूंगा तो मुझे सभी स्लॉट पर चीट्स देखने को मिल जाएंगे और अब मुझे फर्स्ट नंबर के स्लॉट पर बॉडीगार्ड का चीट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो अब मैं अपने गेम पर बॉडीगार्ड्स को कुछ इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि आप इन 3 स्लॉट पर चीट्स को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें आपको बॉडीगार्ड का भी चीट फाइल देखने को मिल जाएगा।
अगर आप मेरे उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अपने गेम पर बॉडीगार्ड चीट फाइल को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने अपने गेम पर मेरे इस मोड को अप्लाई करके रखा होगा। तो पहले आप मेरे इस वीडियो को वॉच करके अपने गेम पर इस मोड को अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप मेरे बॉडीगार्ड वाले वीडियो को वॉच करके अपने गेम पर बॉडीगार्ड चीट फाइल को भी एड ऑन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस वीडियो को वॉच करके जब आप अपने गेम पर सक्सेसफुली मोड को अप्लाई कर लेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड GTA San Andreas गेम प्ले करता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपने अपने गेम पर मोड फाइल को अप्लाई कर लिया है, ताकि जो भी न्यू व्यूवर इस वीडियो को वॉच करे वो इस वीडियो को वॉच करने के बाद ये जान पाए, यानी कि कमेंट सेक्शन को रीड करने के बाद जान पाए कि इस वीडियो को वॉच करके GTA San Andreas गेम पर चीट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप ही देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये 30 मिनट प्लस का वीडियो है, तो आप लाइक और कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर आप इसी तरह के गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप सेफ, थैंक यू।